कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मैक्रोनीज। जिसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून। मैक्रोनीज मैंने पहले से बॉईल करके रखी हुई है। उसके बाद हम इसमें हमारी जो सब्जी है हम वो ऐड करेंगे सारी। उसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए सब्जी को हमने इतना फ्राई कर लिया है, सब्जी को इससे ज्यादा ओवर कुक नहीं कीजिएगा वरना सब्जी घुल जाएगी। उसके और इसमें ऐड करने के लिए हमें जो जो स्पाइसेस चाहिए उसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट और 1 टेबल स्पून सूखा हुआ धनिया। इसको हम सबको इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मीडियम इसका जो चूल्हा है फ्लेम जो है वो थोड़ा लो ही रखिएगा, ज्यादा नहीं क्योंकि सब्जियां लग जाएंगी नीचे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, चिली सॉस चिली सॉस 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। ये 1/2 पैकेट मैक्रोनीज हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितनी भी लेनी है आपको ले लीजिएगा, उस हिसाब से आप सब्जियां स्पाइसेस सब ऐड कर सकते हैं। ये 1/2 पैकेट है और इसको मैंने बॉईल कर लिया था अच्छी तरीके से। इसके बॉईल करने के बाद मैंने इसको वॉश किया है ठंडे पानी से और उसके बाद मैं इसको डालूंगी। ठंडे पानी से वॉश करने से ये होता है ये जो अलग अलग है ना इसलिए सारी अलग अलग रहती है। अगर आप ठंडे पानी से वॉश नहीं करेंगे तो ये सारी एक साथ जम जाएंगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल सबको मिक्स कर लिया था। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, बस 5 मिनट के लिए। जब तक हमारे मैक्रोनीज दम पे हैं तब तक के लिए हम अंडा फेर लेते हैं। मैंने 2 अंडा ले लिया। इसमें थोड़ा सा डालूंगी ब्लैक पेपर लाइट सा और इसको मैं फेर लूंगी। अंडा फ्राई करने के लिए हम पैन ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे पास नॉन स्टिक का ही पैन हो, आप कोई सा भी पैन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छी तरीके से कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें अपना अंडा डाल देंगे। मैंने दूसरी साइड से पलट लिया था, देख इतना गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ठीक है। ज्यादा हमें अंडे को भी नहीं कुक करना, उसके बाद हम अंडे को तोड़ देंगे। फ्लेम से इसलिए उतार दिया था कि जो है ना ये ज्यादा ओवर कुक ना और उसमें ज्यादा रेड कलर ना आ जाए। मैंने इसको कुछ छोटे छोटे पीसेस में कर लिए। अब मैं इसको जो है मैक्रोनीज में डाल दूंगी और हमारी मैक्रोनीज भी अच्छी तरीके से दम हो गई थी। तो इसको जो भी हमने जो है मैक्रोनीज तैयार कर ली थी, जिसके लिए उसके बाद जो है मेरे पास थोड़ा सा चीज़ था। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालें वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि चीज़ डालना। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी जो है ना चीज़ डाल दूंगी। चीज डाल दूंगी बस। इसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी मिर्च छिड़क दी है। 2 से 3 मिनट के लिए ओवन में रख दूंगी। क्या 2 मिनट देखे ये कि इसको मैंने निकाल लिया था ओवन में से 2-3 मिनट के बाद ही। देखे देख सकते हैं आप लोग और उसके साथ ये सॉस सर्व कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।